we gon' burn it down. Burn it down. We gon' burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker, I can't get this murder. Go crazy, berserker, I can't get this murder. Go crazy, berserker, I can't get this murder. Go crazy, berserker. हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल और आप सभी का स्वागत है मिस्टर धरुण यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको एक साउंड बार बना के दिखाने वाला हूँ, या फिर आप इसे टावर स्पीकर भी बोल सकते हो। और गाइज, इसकी खास बात ये है कि गाइज, इसमें मैंने 90% जो चीज़ें लगाई वो मेड इन इंडिया की है। यहाँ पर इसकी जो बॉडी है गाइज, वो भी मैंने खुद ने बनाई है, और आपको मैं पूरा सिखाने वाला हूँ कि आप किस टाइप से इस टाइप का बना सकते हो, या फिर मैं आपको आइडिया दे दूंगा जिससे आप किसी भी टाइप का स्पीकर घर पर बना सकते हो काफ़ी ईजी तरीके से। तो गाइज, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, मैंने पूरी जानकारी दी है वीडियो के अंदर। सो गाइज, यहाँ पर इसका हम सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं, और बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैं चीड़ की लकड़ी का यूज़ करने वाला हूँ। गाइज, इस लकड़ी का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे इसका जो डिज़ाइन जो दिख रहा है, ये अब लकड़ी वाला शेप, ये मुझे मिल जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर हम कोई माइका नहीं लगाएंगे, कुछ कलर नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम डायरेक्ट यहाँ पर पॉलिश कर देंगे ताकि ये वाला जो डिज़ाइन दिख रहा है आपको लकड़ी वाली, ये वाली इसमें दिख जाएगी। और अगर आप बनाते हो गाइज, तो आप MDF बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई प्लाईवुड का यूज़ कर सकते हो, आपके हिसाब से आप जो चाहो वो कर सकते हो यूज़ में। मैं यहाँ पर बस इस लकड़ी के डिज़ाइन के हिसाब से इसको यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका हम कटिंग कर लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, फिर मैं आपको और आगे समझाऊंगा क्या मैं करने वाला हूँ। तो भाई, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इन पट्टियों को 1x3 फीट के आकार में कट कर लेता हूँ। तो कट मैंने यहाँ पर कर लिए सारे पट्टियों को। अब यहाँ पर इनका मैं एक बॉक्स बनाने वाला हूँ। और गाइस, आप बोलोगे हमें बॉक्स बनाना नहीं आता है, तो गाइस सिंपली आपको नहीं बनाना आता होगा, क्योंकि मैंने फर्नीचर का काम सीख रखा है और इलेक्ट्रॉनिक का काम भी मुझे आता है, तो इसीलिए मैं इजीली इन सारे काम को कर लेता हूँ। आप ऐसा करोगे तो गाइस आपके पैसे वो वेस्टेज चले जाएंगे, आप इन पट्टियों को बिगाड़ लोगे ठोक ठुका कर और गलत कट करके। तो आप ऐसा मत करना, आप क्या करना है, किसी फर्नीचर शॉप पर जाना है और आपको बोलना है कि इस टाइप का एक बॉक्स बनाकर दे दे आपको, या फिर आप किसी भी और टाइप का भी बॉक्स बनवाना चाहते हो तो बना सकते हो, काफ़ी सिंपल है। बस आपको क्या करना होगा, फर्नीचर वाले के यहाँ जाना है और उसको अपना नाप पता दे देना है कि इस टाइप का मुझे बनवाना है, वो आपको काफ़ी ईजी तरीके से बना के दे देगा, ठीक है। और आप गाइस, अगर इसको घर पर कटिंग करोगे और आपको काम नहीं आता है फर्नीचर का, तो आप इसको बिगाड़ लोगे और आपके पैसे भी वेस्टेज जाएंगे इन लकड़ी के भी, और आप के हाथ पांव में लग भी सकती है कटिंग करते समय। तो यहाँ पर मैं इस पे जो हमारा फेविकोल है वो लगा देता हूँ, और आप किसी फर्नीचर वाले से बनवाओ तो आप उनसे बोलना कि इसमें फेविकोल अच्छे से लगाए हुआ। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो दोनों तरफ की मैंने पट्टियाँ लगा दी है इस टाइप से। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके ऊपर और नीचे वाला जो पट्टिया है उसको भी यहाँ पर लगा दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं सभी में अच्छे से फेविकोल लगा रहा हूँ, ताकि हमारा जो साउंड है वो काफ़ी अच्छे से इसमें बन पाए। तो गाइज, अभी आपको थोड़ा वीडियो में क्वालिटी कम दिख रही होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा मच्छर टाइप के आ रहे हैं। ये गाइज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी क्या है, मेरे जो स्टूडियो उसका काम चल रहा है, और लाइटिंग वाइटिंग का फिटिंग का काम चल रहा है, इसलिए वीडियोस भी है थोड़ी लेट आ रही है कुछ दिनों से। तो जैसे ही गाइज ये जो स्टूडियो काम पूरा हो जाता है, मैं आपके लिए एक वीडियो भी बना दूंगा, जिससे आपकी कमेंट्स आती है कि विशाल भाई आप वीडियो कैसे बनाते हो उसके ऊपर भी, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा काफ़ी जल्दी। लेकिन अभी क्या है, स्टूडियो काम चल रहा है, तो यार सारा काम मुझे खुद को करना पड़ता है, इसलिए यार वीडियो थोड़ा लेट हो पा रही है। अब गाइज, इसके अंदर हम यहाँ पर स्पीकर को फिट करेंगे, और ये जो गाइज स्पीकर है मैंने ऑनलाइन अमेजन से मंगवाया, अगर आपको ख़रीदने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और गाइज, ये जो स्पीकर है मेड इन इंडिया है, इनको दिल्ली में बनाया गया है, देख सकते हो ये हैंडमेड है। तो आप इनको ख़रीद सकते हो, क्योंकि गाइज चाइना के जो होते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं और जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस टाइप के देख सकते हो, ये 4 इंच के स्पीकर है जो हमारे आवाज़ के लिए है, और बूफर का स्पीकर है वो 5 इंच का है। तो ये तीनों स्पीकर को मैं एक ही के अंदर फिट करूँगा, और बीच में एक पार्टीशन दे दूँगा बाद में, जिससे क्या होगा कि हमारा बूफर वाला अलग हो जाएगा और साउंड वाला अलग हो जाएगा।
तो इनमें एक मैं होल करना होगा तो मिडल पॉइंट में निकाल लेता हूँ स्केल के द्वारा और एक क्रॉस लगा देता हूँ ताकि हमें पता लग जाएगा हमें होल कहाँ पे करना है। तो इस जगह पर मैं होल कर देता हूँ एक। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने होल कर दिया, एक बड़ा वाला नीचे की साइड में किया और दो ऊपर की साइड में किया जहाँ पर हम दो स्पीकर लगा देंगे और नीचे की साइड में बूफर वाला स्पीकर लगा देंगे। अब गाइस यहाँ पर मैं एक और काम करने वाला हूँ, तो अब मैं यहाँ पर इसे घिसाई कर देता हूँ ताकि इसके जो ऊपर ऊबड़ खाबड़ जो कोने दिख रहे हैं वो एकदम स्मूथ हो जाए और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। तो गाइस अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके जो हमने होल किए हैं उनको राउंड शेप में कट कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि ऐसा लगे कि जैसे हमने मार्केट से ख़रीदे हैं। तो यहाँ पर इनको गोल करने के लिए राउटर का यूज़ कर रहा हूँ मैं, राउटर मशीन का। और गाइस ये मेरे पास नहीं थी इसलिए मैं किसी फर्नीचर वाले के यहाँ पर गया और उसकी मशीन का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर जो होल किए थे हमने इनको बिल्कुल राउंड शेप में बना दिया है ताकि ऐसा लगे कि ये मार्केट से लाया गया है। और एक नीचे की साइड मैंने होल बाद में किया क्योंकि मैं पहले भूल चुका था इसको होल करना है, जो हमारा वूफर का जो साउंड है वो बाहर निकालने के लिए। अब हमें क्या करना होगा, ब्लूटूथ किट लगाना होगा ऊपर की साइड में ताकि हमारा जो मोबाइल है इससे हम कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो ब्लूटूथ किट है ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, 100-150 रुपये की आसपास मिलती है। इसके अंदर आप डायरेक्ट अपने जो माइक्रो मेमोरी कार्ड है वो लगा सकते हो, USB लगा सकते हो, ऑक्स केबल लगा सकते हो, आपको डिस्प्ले मिल जाएगी, बटन्स मिल जाएंगे, आप अपने मोबाइल को इससे ब्लूटूथ से कंट्रोल कर सकते हो। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसके अंदर मिल जाते हैं आपको, और गाइस काफ़ी सस्ता भी है वो, इसका जो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो मैं आपको कनेक्शन भी बता दूंगा किस टाइप से करना है इसका। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 4 इंच का ऊपर से छोड़ रहा हूँ, सॉरी गाइस 4 इंच नहीं 4 सेंटीमीटर यहाँ पर छोड़ रहा हूँ मैं। इसके बाद जो इनका मेज़र करूँगा मैं कि ये कितनी बड़ी किट है, कितनी लंबाई है इसकी और चौड़ाई कितनी है, यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप से। और ये जो लंबाई चौड़ाई लेने के बाद यहाँ पर मैं इस टाइप से मार्किंग करके इसको कट कर दूँगा, ठीक है। तो आप बोलोगे गाइस कि मेरे पास मशीनें नहीं है हमारे पास, तो आप क्या करना है, फर्नीचर शॉप पर जाना है, उन फर्नीचर वाले के पास सारी की सारी मशीनें होती है इस टाइप की, तो वो आपको सारा काम करके दे देंगे, आप वीडियो को देखिए। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, होल कर रहा हूँ इस टाइप से, उसके बाद होल करने के बाद जिक्सा मशीन से यहाँ पर कट करूँगा। तो जिक्सा मशीन गाइस अगर आपके पास नहीं है और घर पे बनाना चाहते हो आप इस टाइप का, आपको थोड़ा बहुत फर्नीचर काम आता है, तो आप किसी आरी से भी कट कर सकते हो इसको। तो गाइस अब यहाँ पर होल हो चुका है, अब इसको मैं फिनिशिंग कर देता हूँ थोड़ा अंदर से फाइल से, रेती जो होती है उसके द्वारा हम यहाँ पर इसको थोड़ा घिस के अच्छे से शेप दे देंगे। तो गाइज़ ये हमारा हो चुका है, अब हम यह क्या करना है, यहाँ पर इस टाइप से ब्लूटूथ किट को लगाना है, लेकिन अभी हम इसको नहीं लगाएंगे, बस यहाँ पर सेट करके देख रहा हूँ, इसको हम पॉलिश करेंगे अब। तो यहाँ पर देख सकते हो वुड पॉलिश का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, यह आपको पेंट की शॉप जो होती है वहाँ पर ईजिली मिल जाएगा, जहाँ पर दीवार को पेंट की जाती है वो जो होता है वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पर खोलते हैं, और गाइज़ खोलने के बाद यहाँ पर ढक्कन जो इसको यहाँ पर मैं खोलता हूँ तो इसकी ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई वाइन की बोतल खोल रही है। और यहाँ पर देखिए इसको जैसे मैंने बोतल में निकाला तो ये रेड वाइन जो होती है उस टाइप का यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये गाइस रेड वाइन नहीं है, इसको पी लिया जाए तो ज़िंदगी भर नहीं उठेंगे हम। तो गाइस इसको क्या है, सूती कपड़े के द्वारा, वाइट कलर का जो सूती कपड़ा होता है उसके द्वारा लगाया जाता है, ये थिनर पॉलिश है। इससे क्या होता है कि जो लकड़ी है वो एकदम स्मूथ हो जाती है और जो हम वार्निश करेंगे बाद में वो ज़्यादा पीती नहीं है, और इस पर हल्का हल्का पीला कलर आ जाता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसकी जो रेशे हैं वो भी काफ़ी उभर के आ जाते हैं यहाँ पर। तो इसको क्या करना है कि इस टाइप से जो कपड़ा होता है उसके द्वारा वाइट कलर के कपड़े से ही करना, क्योंकि रेड कलर का या फिर किसी और कलर का करोगे तो वो कलर छोड़ देगा और आपका जो लकड़ी वाला पोर्शन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं वार्निश इसके ऊपर लगाऊंगा, तो ये वार्निश
ब्रश के द्वारा लगाया जाता है। तो हमें क्या करना, सबसे पहले वुड पॉलिश के 2-3 बार इस पर पॉलिश करनी है। सूखने के बाद हमें क्या करना है, इस टाइप का वार्निश लगाना है। वार्निश के भी मैं यहाँ पर 2-3 बार इस पर पॉलिश करूँगा। एक बार करने के बाद सूख जाएगा, फिर दोबारा करूँगा, फिर तिबारा करूँगा, जिससे इसके ऊपर एकदम मिरर फिनिशिंग आ जाएगी। अब गाइस इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा बोर्ड है एम्पलीफायर बोर्ड, वो लगाएंगे और इसका कनेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास 2 टाइप के मैंने मंगवाए आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं कि बिगिनर्स होते हैं, उनको कम समझ में आता है या फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो उनके लिए अलग बोर्ड है और जो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक में जानते हैं उनके लिए अलग बोर्ड है। तो मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा यहाँ पर, और कुछ पार्ट्स मैंने मंगवाए एक्स्ट्रा इसके साथ में ये इनके अंदर लगाने के लिए, तो मैं आपको बाद में समझा दूंगा क्या लेके आया हूँ मैं यहाँ पर। और ये जितने भी सामान मैं यूज़ कर रहा हूँ उनकी सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। मैंने भी ऑनलाइन अमेज़न से ख़रीदे हैं। और गाइस खास बात ये है कि मेड इन इंडिया का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ अधिकतम चीज़ें। ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, ये भी मेड इन इंडिया की, ये अपने दिल्ली में बन रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। हमारा घर का पैसा घर के अंदर ही रहेगा, मतलब देश का पैसा देश के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 टाइप के जो मदरबोर्ड है, मतलब हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है इस टाइप के, ठीक है। और इन दोनों के अंदर 30-20 आईसी लगी हुई है, 20-30 आईसी लगी हुई है, ठीक है। तो जो पहला वाला बोर्ड है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ गाइस, इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हो ये साउंड वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये हमारा डायरेक्ट ब्लूटूथ पिन में लगेगा। और यहाँ पर 5 वोल्ट आ रही है, ये आ रहा है 12 वोल्ट के लिए, 12012। और ये वाला है यहाँ पर स्पीकर का। तो गाइस इसके अंदर ये आपको ज़्यादा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में जानते हो तो आप ये वाला बोर्ड खरीद सकते हो पहला वाला। और इसके अंदर यहाँ पर 4 IC लगी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर बेस टेबल ऑटो है, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप ये वाला बोर्ड खरीदना जी गाइस, 3 IC वाला। इसके अंदर आपको क्या करें होगा, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बूफर लिखा हुआ, तो मतलब ये बूफर के अंदर हमें कनेक्ट करने वायर, बूफर के जो स्पीकर उसके अंदर लगाना है। ये 12012 जो लिखा हुआ है ये ट्रांसफार्मर के अंदर लगेगा, ठीक है। ये बेस वाला है, ये इसमें पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है बेस का, ये ट्रेबल का है। और ये 2 दिख रहे हैं ये स्पीकर के, और यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रहा है हमें। 5 वोल्ट अब गाइस हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है हम उसके अंदर देना होगा 5 वोल्ट, जिससे वो चलने वाला है। तो इस टाइप के देख सकते हो, दोनों के दोनों मैंने यहाँ पर कनेक्शन दिखा दिया आपको। आपको कौन सा खरीदना है आप देख सकते हो इनके। अगर पहला वाला खरीदोगे जो मैं यूज़ करूँगा इसका जो है गाइस, आपको इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज नहीं है तो आप ये वाला मत खरीदना, आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी इसको कनेक्शन करने में। आप ये वाला खरीद सकते हो, दूसरा वाला 3 IC वाला, ये भी काफ़ी अच्छा साउंड निकालेगा गाइस। इसके बाद यहाँ पर मैं ट्रांसफार्मर का यूज़ करूँगा इसमें सप्लाई देने के लिए। तो ये यहाँ पर मैं 12012 का 3 एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो हमें जो रेड वायर है उनके अंदर 220 वोल्ट देना है, और 3 वायर जो दिख रहे हैं ये 12012 के जो कनेक्शन है उनके अंदर डायरेक्ट लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कनेक्शन आपको करना है। इसके बाद जो ब्लूटूथ कार्ड जो दिख रहा है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कैसे क्या आपको क्या क्या मिल जाएगा इसके अंदर। इसका कनेक्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस टाइप से कनेक्शन करना है। तो आपको ये वाली जो पिन दिख रही है, ये जो साउंड वाला जो पिन है वो यहाँ पे लगाना है, जहाँ पर साउंड लिखा होगा उसके साथ में जो पिन होगी वो यहाँ पे लगानी है। और USB 5 वोल्ट जो लिखा हुआ था मैंने आपको दिखाया था वो यहाँ पर लगाना है, ठीक है। प्लस माइनस देख के आप लगा देना, प्लस माइनस 2 वायर होते हैं, वो नीचे की साइड में लिखा होता है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसके भी काफ़ी ज़्यादा आसान कनेक्शन है। अब ये जो पिन दिख रही है, अगर आप डायरेक्ट 2 स्पीकर और इसके अंदर साथ में अटैच करना चाहते हो, बूफर अलग बनाना चाहते हो और अपने स्पीकर अलग बनाना चाहते हो जैसे होम थिएटर में आते हैं, तो आप ये वाला पिन लगा सकते हो। अब आपने देखा होगा टीवी जो होती है हमारे पास, टीवी में ऑन ऑफ के लिए एक स्विच लगा होता है, तो ये वो वाला स्विच है। आप कहीं से भी खरीद सकते हो इसको, या फिर कोई सा दूसरा वाला स्विच भी लगा सकते हो ऑन ऑफ के लिए आपके हिसाब से। ये पावर केबल है गाइस, इसके अंदर हम पावर देंगे यहाँ पर डायरेक्ट 220 वोल्ट का, तो आप सभी जानते हो इस वाले पावर केबल को, इसका बताने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये पोटेंशियोमीटर जो है हमारे वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए, उनकी कैप है, उनके ऊपर जो ढक्कन लगने वाला है ये वाली, ये भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से खरीद सकते हो आप। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस बूफर के और जो हमारे स्पीकर्स थे उनको यहाँ पर फिट करने वाला हूँ। तो फिट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, आपको बस वीडियो देखनी है। इसमें 4 नट बोल्ट लगाने, नट बोल्ट लगा दीजिए आप, या फिर लकड़ी का अगर बना रहे हो इस टाइप का, तो जो ब्लैक वाले स्क्रू आते हैं शार्प वाले लकड़ी वाले, वो आप डायरेक्ट इसके अंदर कस सकते हो, ठीक है, जिससे हमारा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा अंदर की साइड में। और यहाँ पर सामने की साइड में देख सकते हो मैंने एक पार्टीशन लगा दिया इसके अंदर, जो गाइस हमारा बूफर का और जो 2 स्पीकर है उन दोनों को अलग अलग कर देगा यहाँ पर पार्टीशन, जिससे ऊपर वाला जो भाग है वो अलग हो जाएगा और नीचे वाला बूफर वाला अलग हो जाएगा, क्योंकि बूफर को बिल्कुल पैक हमें करना है यहाँ पर। तो ये जो बीच में पार्टीशन दिया गया है ये बिल्कुल इसको
अलग अलग कर देगा। उसके बाद जो बीच में पार्टीशन दिया है मैं लकड़ी का, मैं आपको और भी आगे वीडियो में दिखाऊंगा किस टाइप से दिया है ये, तो ये हमारे जो ट्रांसफार्मर है और बोर्ड है उसको टिकाने के लिए काम आएगा। अब यहाँ पर हमारा ब्लूटूथ किट जो है, यहाँ पर मॉड्यूल जो है उसको यहाँ पर इस टाइप से होल में लगा देता हूँ मैं। स्क्रू कसने दो आपको दोनों साइड में, काफ़ी सिंपल है कनेक्शन इसका भी। अब यहाँ पर जो हमारा ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड जो है उसको यहाँ पर इस टाइप से लगा देंगे। बीच में पार्टीशन दिया है मैंने एक लकड़ी का, ये आप दे सकते हो इजीली, या फिर जो हमारे दोनों साइड में पट्टे दिए गए उनके ऊपर भी कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पार्टीशन दिया गया है इसके अंदर हम यहाँ पर लगाएंगे। अब इसको यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है इन दोनों को भी यहाँ पर मैं कस देता हूँ, जैसे मैं आप वीडियो में दिखा रहा हूँ, ठीक है। और गाइज वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन गाइज मैं आपको पूरा नॉलेज दूंगा इस वाली वीडियो में, ठीक है, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो लंबा बनाने का मकसद यही है कि आपको पूरा समझ में आए, ठीक है, जो आप वीडियो देख रहे हो आपको पूरी समझ में आनी चाहिए। अब मैंने एक बोर्ड में एक होल और कर दिया है। इस होल का कारण ये है कि जो हमारे बूफर के वायर है वो ऊपर की साइड में हम निकाल देंगे यहाँ पर इस टाइप से, और ये जो वायर है हमारे डायरेक्ट बूफर के स्पीकर कनेक्शन जो है वहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने कनेक्शन कर दिया है, मैंने आपको कनेक्शन पहले बता दिया था उसी टाइप से यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है, क्योंकि जगह बहुत कम है। अगर मैं सारी कनेक्शन करके दिखाता तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है, और आपको कनेक्शन करके दिखा ही दिया है मैंने। बूफर का वायर बूफर में, मदरबोर्ड जो हमारा मदरबोर्ड लग रहा है इसके अंदर बूफर का वायर बूफर में, स्पीकर का वायर स्पीकर में, 12012 जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाना है, और ट्रांसफार्मर का जो दोनों वायर दिख सकते हैं देख सकते हो ये यहाँ पर इस बोर्ड से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट प्लग में लगा देंगे इसको। अब यहाँ पर देख सकते हो जो वॉल्यूम कम के लिए पोटेंशियोमीटर थे दोनों को यहाँ पर इस टाइप से मैंने ग्लू गन के द्वारा लगा दिए, आगे की साइड में होल करके निकाल दिया है। तो ये दोनों आपको कोई कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसका कनेक्शन आएगा इसके अंदर, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कौन सा आपका वायर कहाँ पर लगाना है। तो आगे की साइड में होल करके इस टाइप से लगा दिए, तो ये जो हमारा दोनों देख सकते हो कम ज़्यादा वॉल्यूम के लिए इस टाइप से रहेगा, ठीक है। स्पीकर यहाँ पर इस टाइप से लगा दिए, और नीचे की साइड में होल जो किया था ये बूफर का हमारा जो बेस है बाहर निकालेगा। अब मैं यहाँ पर चला के दिखाता हूँ आपको, जैसे आप इसे ऑन करोगे ब्लूटूथ हमारा ऑन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसका साउंड सुनूंगा, तो गाइज इसका साउंड काफ़ी ज़्यादा है, हमारे पूरे कमरे में गूंज उठा था, तो आप इसका साउंड सुनिए आपको मज़ा आ जाएगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर देना। और गाइस थैंक यू आप सभी को 600,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी का प्यार के कारण यहाँ तक हम पहुंचे, और गाइस हम आगे तक पहुंचेंगे और भी, आप ऐसा सपोर्ट बना के रखना। तो मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद जय भारत, बाय एवरीबॉडी।